नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में 5 सीटों के लिए हुए उपचुनाव के नतीजों से साफ है कि बिहार की राजनीति में बहुत बदलाव आ चुका है। सिवान के दरौंदा सीट से जेडीयू की हार से यह साफ हो गया है कि बीजेपी के साथ भले ही जेडीयू है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता अभी सबसे पहले जेडीयू के फरियाने के मूड में हैं। बांका जिले के बेलहर विधानसभा सीट से भी जेडीयू बीजेपी की वजह से हार गया। बीजेपी के समर्थकों ने जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को सबक सिखाने के लिए इस बार आरजेडी को वोट दे दिया। किशनगंज की सीट से कांग्रेस पार्टी की हार और एआईएमआईएम की जीत के भी बहुत बड़े मायने हैं। इस सीट से वैसी की पार्टी जीत के बहुत बड़े मायने हैं। जीत का मतलब है कि अल्पसंख्यकों ने आरजेडी कांग्रेस को छोड़कर ऑप्शन के रूप में वैसी की पार्टी को चुना है। अब इस इलाके में अर्थात सीमांचल में ओवैसी एक बड़ी ताकत बनकर बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। यानी अब बिहार में लालू यादव का माई समीकरण नहीं चलने वाला। अब अल्पसंख्यक आगामी विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी के पक्ष में गोलबंद होकर ओवैसी को किंग मेकर की भूमिका में ला सकते हैं। मुस्लिम बहुल इलाके की कांग्रेस की किशनगंज विधानसभा सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जीतकर बिहार में एक तीसरी राजनीतिक ताकत के उभार का संकेत दे दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव में ओवैसी कोसी सीमांचल के अल्पसंख्यक बहुल सभी विधानसभा क्षेत्रों से अपने उम्मीदवार खड़ा कर कांग्रेस और आरजेडी के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अगर एनआरसी को लागू करने की कोशिश बीजेपी ने बिहार में की तो वैसे ही उसका विरोध कर सीमांचल के गांधी बन सकते हैं, यानी वो सीमांचल के तस्लीमुद्दीन की जगह ले सकते हैं। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो बट चलो। ओह रियली? यस, आई लाइक सरप्राइजेस बट मेक श्योर कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक का। मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लगा? इट्स सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग। बाय द वे, ये किसका घर है? ये हमारा पैनोरमा, हमारे सपनों का घर। वाह, हमारे सपनों का घर है।